सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंडियन कोरियन फ्यूजन ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बहुत मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये बहुत यमी है और हेल्दी भी है। इसके लिए मैंने लिया है 1 बोल सूजी एंड 1/2 बोल दही। इन दोनों को एक दूसरे बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी और दही का जो रेशियो है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना सूजी लेते हैं उसके हाफ दही लें। अब इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। लगभग इसमें 1 बोल पानी लग जाएगा, क्योंकि सूजी थोड़ा सा फूलता है, सो सूजी पानी को अब्जर्ब कर लेगा। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पानी डालते हुए मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसे ढक देंगे और 1/2 आवर के लिए हम इसे रेस्ट में छोड़ देंगे। 1/2 आवर लगभग हो गए हैं। अब थोड़ा मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, सूजी भी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून, एंड थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। मैं आपको दिखा रही हूँ जिसे कट करके मैंने रखा है। ये धनिया पत्ता है, ये गाजर है, ये तो नींबू है, ये पत्ता गोभी है, टमाटर, प्याज एंड हरी मिर्च। अब इन सारी सब्जियों को तो नहीं डालेंगे, इसमें से 1/2 सब्जियों को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सूजी में, और 1/2 सब्जी को हम बचा लेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि हम क्यों बचाएंगे। मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मिर्ची को हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको मिक्स करके मैंने साइड कर दिया। मैंने एक दूसरा बोल लिया है। अब इनमें बची हुई सब्जियों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, साथ ही मिर्ची को भी कर देंगे। और हाँ, जो मैंने लेमन लिया था उसको भी मैंने रखा है, उसका यूज इसमें होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा सोया सॉस 1/2 to 1 टीस्पून, एंड जो लेमन है उसका जूस इसमें हम ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और ढक के रख देंगे। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड किया है। ऑयल आप अपने पसंद का डाल सकते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाए, इसमें सूजी और दही का जो घोल है सब्जियों के साथ, उसको डाल के इस तरह से हम फैला लेंगे। फ्लेम को अभी हाई रखना है। जब अच्छे से ये फैला लें तो फ्लेम को लो कर दें और इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेक कर लें। ये देखिए, ड्राई दिख रहा है, पीछे से अच्छे से पक गया है। अब इसे पलट दें और लो फ्लेम पे फिर 1 से 1.5 मिनट आप छोड़ दें, तो ये अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, लगभग 1.5 मिनट हो गए और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे, बट एक काम हम यहीं कर लेते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। जैसे पिज़्ज़ा कट करते हैं ना, उस तरह से इसे कट कर लें। पैन में ही अगर हम कट कर लेते हैं तो ये अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसे प्लेट में सर्व करूँगी तो थोड़ा सा मैंने प्लेट को गार्निश किया है, तो उसमें कट करने में आसानी नहीं होगी, सो मैं इसे पैन में ही कट कर लेती हूँ। प्लेट में मैंने पत्ता गोभी रखा है, जिसको कट करके मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में सिरका और नमक डाल के छोड़ दिया था, और फिर उसे अच्छे से छान के प्लेट में डाला है। तो इसे हम सैलड के रूप में भी खा सकते हैं। अब इसके ऊपर सूजी का जो मैंने चीला कहिए, उत्पम कहिए, पिज़्ज़ा कहिए, पैनकेक कहिए, जो मन करे कहिए, उसे हम प्लेट में रख लेंगे। ये मैंने कट किया है, सो एक बार में ये नहीं हो पा रहा है, सो मैंने 2-3 बार करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया। मैं क्या सोच रही हूँ कि प्लेट में जो मैंने पत्ता गोभी डाला है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाजर भी डाली रहती तो और अच्छा लगता है ना। अब चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जो मैंने सैलड बना के रखा है, बची हुई सब्जियों को इसके ऊपर से हम डालेंगे अच्छे से। कोरिया में जब पोटैटो पैन केक लोग बनाते हैं तो इस टाइप का सैलड बनाते हैं, और
उसके साथ खाते हैं और ये सैलेड बहुत यमी लगता। मैंने जब बनाया और मेरे घर में लोगों ने खाया, सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा होता। कोरिया में वैसे भी थोड़ा सा तीखा एंड चटपटा लोग खाना पसंद करते हैं, तो सॉस एंड मिर्ची से थोड़ा ये चटपटा हो गया है, साथ ही इसमें लेमन भी है। ये देखिए मैंने अच्छे से डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने डाल दिया है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और ये रेडी है, आप इसे खाइए, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। मतलब दिखने में जितना सिंपल आपको लग रहा है ना, जब बनाकर इस तरह से खाओगे, ये रेसिपी एकदम दिल जीतने वाली है और हेल्दी भी बहुत है। तो इसी तरह की इजी, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करें, क्योंकि ये फ्री का है। साथ ही लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।